हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नंद क्लास माय नेम इज़ कुंतल पंड्या स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में टेंथ एन के की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर सिक्स जो है उसका दूसरा पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं गुडनेस वॉजन देर एनी थिंग शी कुड डू इफ ओनली शी कुड टेल वॉन्डा शी हैड एंट माइंड टू हर्ट हर फीलिंग तो मैडी जो है वो सोच रही है कि क्या कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके जरिए वो वांडा को बता सके कि वो सच में वो लोग उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहते थे शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी बट पैगी डिड नॉट लुक अप शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड तो मैडी जो है वो मुड़कर पैगी की ओर एक बार देखती है लेकिन पैगी जो होती है वो पढ़ाई कर रही होती है और वो ऊपर नहीं देखती है वेल well, वेदर पैगी फेल्ड बैडली और नॉट शी मैडी हैड टू डू सम अब मैडी सोचती है कि अगर पैगी को इस चीज़ का बुरा लगता है या नहीं बुरा लगता है लेकिन मैडी को तो ये चीज़ बहुत बुरी लगी है और वो चाहती है कि वो कुछ तो इस दिशा में करे वो कुछ तो वांडा के लिए अच्छा करे। किसी तरीके से वो वोंडा को बताना चाहती थी कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहते थे शी हैड टू फाइंड वोंडा पेट्रॉन्सकी और वो जो मैडी है वो वोंडा पेट्रॉन्सकी को ढूंढना चाहती थी उससे बात करने के लिए मे बी शी हैड नॉट एट मूड अवे शायद ऐसा हो सकता है कि उसने अब तक ये शहर छोड़कर ना गई हो मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर एंड दे वुड टेल वोंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट दैट दे थाट शी वॉज स्मार्ट एंड द हंड्रेड ड्रेसेज वर ब्यूटिफुल सो so, मैडी सोच रही है कि हो सकता है साथ पैगी भी उसके साथ आए वो लोग जो बॉगिंग साइड्स पर वोंडा पेट्रॉन्स की रहती थी वहाँ पर चढ़ कर जाए और वो जाकर वोंडा को बताए कि वो जो कॉन्टेस्ट था जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया था वो जीत चुकी है वो काफ़ी स्मार्ट है और उसके उसने जितने भी ड्राॅइंग्स बनाए थे ड्रेसेस के वो सारे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं When school was dismissed in afternoon, जब आफ्टरनून afternoon में स्कूल खत्म हो जाता है पैगी सेट पैगी बताती है विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस यानि ऐसा प्रिटेंड करते हुए कि वो कैजुअली बता रही है लेट एस गो एंड सी इफ दैट कीड हैज नॉट लेफ्ट द टाउन तो पैगी जो है वो कहती है कि क्यों ना हम उस किड को यानी कि वनडा पेट्रॉन्स को मिलने जाए हो सकता है शायद उसने अभी तक टाउन चेंज करके ना गए हो कहीं पर और वो वहीं पर रहती हो सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया मैगी ग्लोड पैगी वॉज रियली ऑल राइट तो मैडी ने सोचा कि पैगी भी वही सोच रही है जो वो खुद सोच रही है और पैगी जो सोच रही वो सही है द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बोबिन्स हाइट्स तो दोनों लड़कियां जल्दी से स्कूल बिल्डिंग से बाहर चली जाती हैं और वो बॉगिंग्स हाइट्स की तरफ आगे बढ़ती हैं द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवम्बर आफ्टरनून ड्रीजली डैम्प एंडल तो जब वो वहाँ पर नज़दीक पहुँचते हैं टाउन की ओर तो उनको वो जो एयर होती है वो उनको काफ़ी फॉरबिडिंग लगती है काफ़ी अनफ्रेंडली लगती है एंड वहां का जो एटमोस्फियर है जो हवा है वो उनको काफी डिज्मल एंड डैम्प लगती है डैम्प का मतलब होता, होता है काफी वैट एंड डिज्मल का मतलब होता है काफी निराशाजनक काफी सैड एटमोस्फियर उनको फील होता है वेल एटलीस्ट सेड पैगीफली आई नेवर डीड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन हर नेम तो पैगी जो है वो अपना बचाव करते हुए अपने कन्फेशन में रफली कहती है वैल well, मैंने कभी उसको फॉरेनर नहीं बुलाया और ना ही कभी मैंने उसके नाम का मजाक उड़ाया है आई नेवर द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे पैगी कहती है मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये कि वोंडा को ये लग रहा होगा कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं आई थॉट सी टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ मैंने तो सोचा था वो काफी डम्ब होगी काफी मूर्ख लड़की होगी उसमें कोई समझ ही नहीं होगी लेकिन देखो वो कितना अच्छा ड्राइंग बना सकती है मैडी कुड से नथिंग मैडी तो कुछ कह ही नहीं पा रही थी वो कुछ भी नहीं बोल रही थी ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वॉन्डा उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी वो एक ही चीज़ की एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थी कि किसी तरीके से वो वोंडा को एक बार ढूंढ ले शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट वर सॉरी दे हैड दे हैड पिक्ड ऑन हर वो वांडा को सॉरी कहना चाहती थी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर यानी कि वो लोग उसका जो मजाक उड़ा रहे हैं वो उन्हें नहीं उड़ाना चाहिए था एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थाट्स वॉज और उन्हें बताना चाहती थी कि पूरी स्कूल ये सोचती है कि वोंडा पेट्रॉन्स की है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही शानदार लड़की है एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस और वो उसे बताना चाहती थी कि प्लीज़ तुम यहाँ से ये शहर छोड़कर और ये स्कूल छोड़कर मत जाओ एंड एवरीबडी वुड बी नाइस और सभी लोग अब तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करेंगे शी एंड पैगी यू वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस और मैडी खुद और पैगी वो दोनों कोई भी पर्सन अगर अब वो को परेशान करेगा या अच्छी तरीके अच्छी तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं करेगा तो वो लोग उससे फाइट करेंगे और उसे बचाएंगे तो टू गर्ल हरीडॉन दोनों लड़कियां जल्दी करके आगे बढ़ती हैं दे होप टू गैट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क वो दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए और एटलीस्ट डार्क यानी अंधेरा होने से पहले वो टॉप पर पहुँच जाए आई थिंक दैट आई थिंक दैट इज़ where द patrons की ल्यू सेट मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटल व्हाइट हाउस तो, तो वहाँ पर एक लिटल एक छोटा सा वाइट हाउस होता है तो उसे पॉइंट आउट करते हुए मैडी कहती है कि मुझे लगता है कि पेट्रॉन्स की वहीं पर रहते हैं Of old grass stuck up here and there. तो घास के काफी गुच्छे आसपास देखने को मिले Along the pathway, लाइक like thin किटन्स ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे किटन्स ना हो ऐसा लग रहा था जहां पर वो जो घास के गुच्छे बने हुए थे रास्तों के ऊपर तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि रास्तों के किनारे पर छोटे छोटे, छोटे किटन्स हैं द हाउस एंड इट्स पार्स लिटल यार्ड लोक शाबी बट तो हाउस और उसके आसपास जो यार्ड का एरिया था वो शैबी काफ़ी पुराना तो लग रहा था लेकिन क्लीन था इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वोंडाजन ड्रेस इससे मैडी को वंडा का जो एक ड्रेस था वो याद आ गया हर फेडेड ब्लू ड्रेस जो कि शैबी भी था काफ़ी पुराना भी लग रहा था लेकिन क्लीन था देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ अ लाइफ अबाउट द हाउस लेकिन घर को देखने से ऐसा लगता था कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है नॉट अ साइन ऑफ लाइफ पैगी नॉक फॉर्मली ऑन द डोर बट देर वॉज नो आंसर पैगी डोर को काफ़ी नॉक करती है लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिलता है शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक देर तो वो और मैडी बैक डोर पीछे की ओर जाते हैं और वहां पीछे का जो दरवाजा होता है वहां पर भी नॉक करते हैं लेकिन स्टिल देर वॉज नो आंसर लेकिन फिर भी उनको वहां पर भी कोई आंसर नहीं मिलता है देर वॉज नो डाउट अबाउट इट द पेट्रॉन्कीज वर गॉन अब तो कोई डाउट नहीं रहा कि कीज जो है वो उस घर में रहते थे वो वहां से अब जा चुके हैं हाउ कुड दे एवर मेक अमेंट्स अब वो सोच रहे हैं कि अब जो सिचुएशन बिगड़ चुकी है अब उसको वो कैसे अमेंड करेंगे कैसे चेंज करेंगे कैसे सुधार लाएंगे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल अब वो लोग वापस मुड़ जाते हैं और स्लोली स्लोली अपने घर की ओर बढ़ते हैं वेल एनी वे सेड पैगी शी हैड गॉन नाउ सो वॉट कैन वी डू वेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसिस शी प्रबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राॅइंग्स शी माइट नॉट इवन है कॉन्टेस्ट अदरवाइज तो पैगी जो है वो अपने मन में सोचती है और वो जो सोचती है वो बता रही है कि हो सकता है शायद वो जब भी उसे पूछती थी कि भाई उसके पास कितने ड्रेसेस हैं ये सवाल जब बार बार उससे पूछती थी उससे मजाक करती थी हो सकता है उसके मजाक करने की वजह से उसके माइंड में उसके ड्राइंग्स के लिए नए नए आइडियाज़ आते हो हो सकता है उस आइडिया की वजह से ही वो कॉन्टेस्ट जीत पाई हो अगर हो सकता है कि वो उसका मजाक न उड़ाती तो उसके माइंड में ड्राइंग्स के लिए अच्छे आइडिया नहीं आते और हो सकता है वो शायद कभी ये कॉम्पिटिशन नहीं जीतती मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड तो मैडी भी अपने दिमाग में ये आइडिया ला देती है जब पैगी ने ये चीज़ बताई तो मैडी खुद भी ये चीज़ अपने लिए सोचती है कि हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है फॉर इफ़ और शायद अगर ऐसा हुआ हो देर वर एनी थिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील बैड मैडी भी ऐसा क्यों सोचती है कि हाँ शायद ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ है अगर उन लोगों के चिढ़ाने की वजह से उनके मजाक करने की वजह से अगर वो कॉन्टेस्ट जीत पाई है तो वो थोड़ा सा बुरा फील कम करेगी बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप लेकिन उस रात मैडी को बिल्कुल नींद नहीं आई क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही थी कि, उ, कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ शी थॉट अबाउट वोंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस तो वो पूरी रात वांडा के बारे में सोचती रही और उसके जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी ब्लू कलर की उसके बारे में सोचती रही एंड द लिटल हाउस शी हैड इन और उस घर के बारे में सोचती रही जिस घर में वो रहते थे एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज हंड्रेड ड्रेसिस मेड ऑल लाइन अप इन द क्लास रूम और वो चमकते हुए पिक्चर्स हंड्रेड पिक्चर्स जो कि क्लास रूम में एक साथ लाइन में रखे हुए थे तो वो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी रात सोचती रही एट लास्ट मेडी सेटअप इन बेड आखिरकार जब उसे नींद नहीं आ रही थी जब वो बहुत अपने आप को परेशान फील कर रही थी तब वो बेड में बैठ जाती है एंड प्रेस हर फोर हेड टाइट इन हर हैंड्स और अपने फोर हेड को अपने हाथों से प्रेस करते हुए वो बहुत ही गहरी uh, सोच में चली जाती है वो बहुत गहराई से सोचने लगती है दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हेड एवर डन अपनी लाइफ में इतना डीपली उसने कभी नहीं सोचा था ये हार्डेस्ट थिंकिंग थी ये सबसे गहरी सोच वो कर रही थी आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम सी रीच एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुँच जाती है शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन वो सोच लेती है वो डिसीज़न ले लेती है कि आज के बाद कभी भी वो किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेगी और कभी भी किसी को भी ऐसी कोई भी बुरी चीज़ नहीं कहेगी तो मैडी को यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा था कि वोंडा के साथ जो कुछ भी हुआ तो इसीलिए ऐसा दोबारा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो इसीलिए वो एक डिसीजन ले लेती है कि आइंदा से वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेगी और ऐसी कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं कहेगी जिससे उसको बुरा लग सकता है तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इस चैप्टर को यहीं तक देखेंगे और आने वाले चैप्टर में जो कि फाइनल पोर्शन होगा इस चैप्टर का उसको हम फिनिश करेंगे